नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं उप्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, हल्द्वानी के वन बुलपुरा क्षेत्र में अवैध मस्जिद और मदरसे को हटाने गई प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम पर गुरुवार रात आक्रोशित भीड़ ने हमले में पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत हो गई है और 70 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। थाने को भी फूंक दिया गया है। हमले में 300 अधिक लोग घायल हुए हैं। नैनीताल के जिला अधिकारी मंदरा ने बताया कि उपद्रव के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने कई वाहन को आग लगाई। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा हल्द्वानी शहर के अगले आदेशों तक कर्फ्यू लगा रहेगा। शुक्रवार को सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। वंदना सिंह ने कहा कि भीड़ ने थाने को घेर लिया और थाने के अंदर मौजूद लोगों को बाहर नहीं आने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया और फिर पेट्रोल बम से हमला किया गया था। थाने के बाहर वाहनों में आग लगा दी गई और धुएं के कारण दम घुटने लगा। पुलिस थाने की सुरक्षा के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल भी किया। डीएम वंदना सिंह ने हालात पर नजर बनाई हुई है। डीएम ने कहा कि उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इस दौरान भी नुकसान हुआ है, उसकी वसूली भी उपद्रवियों से ही की जाएगी। वंदना सिंह ने कहा कि परिसंपत्तियों के नुकसान के मुख्य रूप में थानों को पूरी तरह से नुकसान हुआ है। भीड़ ने पुलिस स्टेशन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सांप्रदायिक घटना नहीं थी तो इसे सांप्रदायिक या संवेदनशील ना बनाया जाए। किसी विशेष समुदाय ने जवाबी कार्रवाई नहीं की है। यह राज्य मशीनरी, राज्य सरकार और कानून व्यवस्था की स्थिति को चुनौती देने का एक प्रयास था। शाम को फिर से ब्रीफिंग की जाएगी। अगली खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बेटियों मीशा भारती और हेमा यादव को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने रेलवे के नौकरियों के बदले जमीन घोटाले के मामले में तीनों को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है। उधर ईडी ने बिहार के जमीनी के बदले नौकरी के मामले का बड़ा दावा किया था। ईडी के अनुसार राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की गौशाला की एक पूर्व कर्मचारी ने रेलवे में नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्ति से संपत्ति हासिल की और बाद में उसे लालू राबड़ी दंपति की पुत्री हेमा यादव को सौंप दिया। केंद्रीय एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कुछ बाहरी लोगों के अलावा लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों, राबड़ी देवी, मीशा भारती, हेमा यादव को आरोपी बनाया गया है। केंद्रीय एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की एक कोर्ट के सामने में एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कुछ अन्य लोगों के अलावा लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों, राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती और हेमा यादव पर भी आरोपी बनाया गया था। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी की गौशाला की एक पूर्व कर्मचारी ने रेलवे में नौकरी इच्छुक एक व्यक्ति की संपत्ति हासिल की थी और बाद में इसे हेमा यादव को हस्तांतरित कर दिया था। अगली खबर, गुरुवार शाम एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शिवसेना प्रमुख यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर को फेसबुक लाइव के दौरान एक स्थानीय गुंड जुआरी मॉरिस नोहरा ने गोली मार दी और बाद में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घोसालकर पर बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर LIC कॉलोनी के करुणा अस्पताल ले जाया गया, जहां गोली लगने के तुरंत बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। घटनाक्रम के अनुसार नोरनेहा ने घोसालकर को एक स्थानीय सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था और फिर बोरेवली पश्चिम में IIC कॉलोनी में अपने कार्यालय के लिए 40 मिनट के लिए फेसबुक लाइव में बातचीत की। घोसालकर पर एक सोफे पर बैठे थे और स्थानीय नागरिक मुद्दों के बारे में तिपाई पर रखे मोबाइल फोन पर कुछ ऑनलाइन अंगुक्तों से बात कर रहे थे। हमलावर, जो एक समय आसपास के क्षेत्र में मॉरिस भाई के नाम से कुख्यात था, घोसालकर के पास आकर थोड़ी देर के लिए बैठा। मॉरिस के बाहर निकलने के लिए उठने से पहले उसने कैमरे के सामने गर्मजोशी से बात की। लाइव सोशल मीडिया शो समाप्त करते हुए घोसालकर ने कहा, भगवान आपका भला करे, हम बाहर जाएंगे। वे सोफे से खड़े हुए तभी मॉरिस अचानक वापस आए। उसने रिवॉल्वर निकाली और उन पर कम से कम 3 राउंड की गोलियां चलाई। अचानक हुए हमले से अभिज्ञ घोसालकर को चिल्लाते हुए आगे की ओर लड़खड़ाते हुए और गिरते हुए देखा जा सकता है। कम से कम एक गोली उनके सीने में और एक कंधे में लगी है। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। कुछ सेकंड बाद मॉरिस भी कुछ मीटर दूर गया और खुद को कम से कम 4 गोलियां मारी और खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता विनोद घोसालकर के बेटे अभिषेक दहिसर वार्ड नंबर 7 से पूर्व VMC के पार्षद थे। अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि हमारा इतिहास बाबर नहीं, हमारा इतिहास भगवान श्री राम ने। उन्होंने ये टिप्पणी यहाँ विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता के आवास पर की है। इस दौरान प्रवीण तोगड़िया ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है। राम मंदिर के लिए पुरुषों ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी अपना बलिदान दिया था। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जहां भी संप्रदाय विशेष के लोगों की संख्या अधिक हो जाती है, वहां पर वे अपना कानून लागू करने लगते हैं। इसी को ध्यान रखते हुए जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाया जाएगा। तोगड़िया ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले कार सेवकों को श्रद्धांजलि दी। दरअसल तोगड़िया एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने राम मंदिर से जुड़े कार
सेवकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पूरे देशवासियों के योगदान से बना है। 8 करोड़ हिंदुओं के पैसों से राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ढांचे पर हमने भगवा झंडा लहरा दिया है। जब ऐलान किया तो भाभर के ढांचे को खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मंदिर क्यों बना, क्योंकि पूरे देश में एक साथ लड़े। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं से कि वे लगातार हनुमान चालीसा करते रहें और हमारी सफलता की ओर आगे बढ़ती रहेगी। इसके अलावा तोगड़िया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में UCC लागू होना चाहिए। अगर किसी को 4 पत्नियां चाहिए तो वे पाकिस्तान चला जाए। हिंदुस्तान में तो हमारा ही कानून होगा और कानून भी हम ही बनाएंगे। उल्लेखनीय है कि ज्ञान व्यापी मामले में ASI रिपोर्ट आने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। हाल ही में ASI सर्वे की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि मस्जिद के अंदर देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और हिंदू चिन्ह पाए गए हैं। अगली खबर, पूर्व कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी ने कल यानी कि 10 फरवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP में शामिल हो जाएंगे। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि बाबा सिद्दीकी 10 फरवरी को की शाम को NCP में शामिल होंगे और 11 फरवरी को कुछ और लोग भी पार्टी का दामन थामेंगे। बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी को बाबा सिद्दीकी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के 1 महीने के भीतर इस शहर के दूसरे नेता ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। सिद्दीकी के बेटे जिशान शहर से कांग्रेस के विधायक हैं। हालांकि बाबा सिद्दीकी ने कहा है कि जिशान अपना फैसला वे खुद लेंगे। पुणे में शिवसेना UBT के पार्षद अभिषेक घोसालकर की हत्या पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच दोस्ताना रिश्ते थे। इसके बावजूद अगर कुछ ऐसा होता है तो पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि विपक्ष को सरकार बदनाम करने या गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करने का मुद्दा मिल गया है, लेकिन इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि क्या है यह भी देखा जाना चाहिए। घटना पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी कल बैठक की है और मामले की जाँच की जा रही है। भाजपा, शिवसेना और NCP के बीच लोकसभा सीट बंटवारे पर अजीत पवार ने कहा कि हम साथ बैठकर इस पर चर्चा करेंगे और आपको अपना फैसला बताएंगे कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, कुछ भी अटकलें लगाने की जरूरत नहीं। अजीत पवार ने PM मोदी को 17 दौरे पर भी बात की है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर शुक्रवार सुबह 8 बजे लगभग 90 लाख लोगों ने गंगा डुबकी लगाई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। माघ मेला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह 8 बजे तक करीब 90 लाख लोगों ने गंगा और संगम में एक स्नान किया है। और बताया कि गुरुवार को मध्यरात्रि 12 बजे से ही जनसैलाब घाटों की तरफ उमड़ा हुआ था और गाँव देहात और दूसरे जिलों से स्नानार्थी सिर पर गठरी रखकर मेला क्षेत्र में आ रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि भारी भीड़ को देखते हुए घाटों की लंबाई 6,800 फुट से बढ़ाकर 8,000 फुट कर दी गई है और कुल 12 घाट बनाए गए हैं और सभी घाटों पर पर्याप्त संख्या में वस्त्र बदलने की सुविधा भी स्थापित की गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों की भी संख्या 1,800 से बढ़कर 6,000 कर दी गई है। 12,000 संस्थागत शौचालयों के साथ मेला क्षेत्र में शौचालयों की कुल संख्या अब 18,000 हो गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि प्रमुख स्नान पर मौनी अमावस्या पर भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए NDRF के जवान विभिन्न घाटों पर तैनात किए गए हैं। साथ ही NDRF की महिला बचाव कर्मियों को भी तैनात किया गया है। आखिरी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर चर्चाएं काफी तेज है। माना जा रहा है कि चीफ चेयरिंग से नाराज जयंत बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के NDA में शामिल होने के अटकलों पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कहां जा रहा है, उससे फाइनल होने तो होने दो, देखते हैं, जनता बड़ी है। चुनाव के समय कोई आता है और जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रामगोपाल यादव ने आगे कहा कि जयंत चौधरी का वोट पहले भी भाजपा को जा चुका है। यह चुनाव आने वाले हैं और जनता तय करती है कि कौन नेता है कौन नहीं। चुनाव के वक्त जो आता जाता है उसके कोई मायने नहीं रखे जाते हैं। नीतीश कुमार ने NDA में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि उनका चरित्र भी भागने वाला रहा है, हो सकता है कि वह फिर वापस आ जाएं। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जयंत सुलझे हुए और पढ़े लिखे नेता हैं। मुझे उम्मीद है कि वह किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं करेंगे। सपा नेता ने कहा कि जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए पढ़े लिखे इंसान है, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली को लेकर वह जो संघर्ष चल रहा है उसे कमजोर नहीं होने देंगे। बता दें कि मुजफ्फरनगर सीट से को लेकर सपा और LLD के गठबंधन में खींचतान मच गई थी। समाजवादी पार्टी चाहती है कि हरेंद्र मलिक को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। सपा के हरेंद्र मलिक RLD को टिकट पर लड़े। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।